हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द 1500 प्लस GMCQ। आपका स्वागत है। आज है हमारा D12 एंड आज आपके साथ हम यहां पर आए हैं इस डिस्कशन में ताकि आप सबको इसका आज D12 में आपको सबको इसका फायदा मिल सके। एक बार जरा फटाफट सब लोग जरा कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा और जरा जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड गुड नून होला सचिन यादव, गुड नून अर्जुन बंसल, अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। एक बार जरा सब लोग कमेंट कर दीजिएगा विद अ थम्स अप, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वी आर रेडी, वी आर तैयार। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और शुरू करने से पहले गाइस याद रखिएगा कि आपका जो वैक्सीन एक है हमारी, इट्स अ कैप्सूल जो कि हमारा आ रहा है फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, और ये कैप्सूल आपका आ रहा है आज शाम को 4 बजे। ये एक आपका डिस्कशन भी होगा और इसमें साथ साथ हम बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पर आपको एक PDF भी देंगे जो कि एक डिटेल्ड PDF है फॉर वेरियस फाइनेंशियल एंड इकोनॉमी अवेयरनेस डिटेल्ड क्वेश्चंस एज वेल एज उनका डिस्कशन एज वेल एज उनका कंटेंट। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। मैं चाहूंगा जरा फटाफट एक बार जरा आप वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो आपका जो है वो पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले याद रखिएगा D12 है और याद रखिएगा कि बैंकर बाबू जी ये बैच हमारा आ रहा है और ये बैच आपका अवेलेबल है आपका आज से। ये बैच आपका है हर एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका बैंकिंग, चाहे वो आपका SBI का हो, IBPS का हो या फिर किसी एग्जाम में, सारा कुछ आपका यहाँ पर अवेलेबल है। बिल्कुल सही, ये जो आपकी वैक्सीन है ये एग्जाम सेंट्रिक अप्रूव है। एब्सोल्युटली बाकी हमारा बैंक पीओ क्लर्क का कंप्लीट बैच भी आ रहा है, इसका अवेलेबिलिटी है 3999 और इसको भी आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं। चलिए आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर जो कि ये रहा। अ लीडिंग पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एसर इंडिया हैज अपॉइंटेड एक्टर सोनू सूद एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। द क्वेश्चन इज एसर इंक इनमें से किस कंपनी, एसर इंक के इनमें से कहां पर आपके हेडक्वार्टर्स हैं? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज ताइवान। ताइवान में आपके एसर के हेडक्वार्टर्स हैं। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो सिंगापुर आपका न्यूज में है बिकॉज सिंगापुर में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट है इस साल 2021 का, वो यहाँ पर होगा। इसके अलावा सिंगापुर से मैक्सिमम FDI इंडिया आती है, तो इंडिया में जो कंट्री जहां से मैक्सिमम FDI आती है वो आपका सिंगापुर है। आफ्टर द फॉलोइंग ऑप्शन गाइस, ताइवान के साथ अभी जो रिस्ट्रिक्शंस थे इसके ऊपर वो USA ने आपके हटा दिए हैं। दे हैव लिफ्टेड ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन ताइवान और इसका रीजन है बिकॉज USA चाहता है ताइवान से बेटर रिलेशन सो दैट चाइना पर वो प्रेशर डाल सके। तो उसके लिए आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। After sports stars, the RBI has roped in Bollywood megastar Amitabh Bachchan for the customer awareness campaign to prevent gullible account holders from being duped by fraudsters. The question is, the RBI has set up this particular thing on the basis of the recommendations of which commission? इस commission के recommendations पर आपका दोस्तों ये जो एक आपका setup है वो किया गया है। नचिकेत मोर, शिवरमन, मल्होत्रा, हिल्टन यंग। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर आपका RBI जो है वो आपका सेटअप किया गया। ये क्वेश्चन आपके लास्ट 3 मंथ्स के हैं, ठीक है? यस, इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज आपका हिल्टन यंग कमीशन। ये कमीशन से आपका RBI बना। इस कमीशन का एक और नाम है और इसका जो नाम आपके सामने है दैट इज रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, ये इसका एग्जैक्ट नाम है। आगे बढ़ते हैं। वेटरन स्टेज एंड फिल्म एक्टर जयप्रकाश रेड्डी हैज पास्ड अवे। जयप्रकाश रेड्डी वॉज एन इंडियन एक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज फिल्म्स? वेल, जयप्रकाश रेड्डी जो है वो आपके इंडियन एक्टर थे, वो आपके आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज तेलुगु। तेलुगु में ये आपके एक्टर थे और इनका हाल ही में आपका देहांत हो गया। 17-year-old गर्ल खुशी चिंदालिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया बाय द UN एनवायरमेंट प्रोग्राम, टुंडा इको जनरेशन और UNEP। सवाल मेरा आपसे है UNEP के इनमें से हेडक्वार्टर्स आपके कहाँ पर हैं? And the answer is, it is option C, that is 1972, 1972 में आपके UNEP के आपकी शुरुआत हुई। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स आपके दोस्तों नैरोबी केनिया में इसके आपके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो आपके बेस्ड हैं। तो ये नाम भी यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज बीन डेवलप्ड बाय द CSIR CMERI. द सोलर ट्री हैज बीन इंस्टॉल्ड एट द रेजिडेंशियल कॉलोनी ऑफ द CSIR CMERI इन दुर्गापुर. द क्वेश्चन इज Who is the present Director General of CSIR? सवाल सुनिएगा. विश्व का सबसे बड़ा जो सौर वृक्ष CSIR सीमेसिमरी है उसको विकसित किया है. सवाल मेरा आपसे है कि ये जो CSIR के इस समय कौन आपके डायरेक्टर जनरल हैं? इनका नाम है आपका ऑप्शन बी, दैट इज शेखर सी मंडे. ये इसके इस समय डायरेक्टर जनरल हैं. इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 8 सितंबर. Which of the following statement is true about International Literacy Day? इनमें से कौन सा कथन आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में सही है? Statement 1, ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है 8 सितंबर को. Statement 2, ये डे को डिक्लेयर किया गया बाय यूनेस्को ऑन 26 अक्टूबर 1966. Statement 3, International Literacy Day आपका सेलिब्रेट हुआ फर्स्ट टाइम 67 में. Statement 4, इसका थीम है literacy teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond. ये इसका आपका थीम है. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द इंटरनेशनल लिटरेसी डे. ये सारे स्टेटमेंट आपके जो है इसके सिलसिले में आपके बिल्कुल सही हैं. ऑप्शन डी इसका बिल्कुल आपका सही सही आंसर है. दैट इज एब्सोल्युटली गाइज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर. आगे बढ़ते हैं गाइज. अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं शेयर किया है वीडियो को शेयर करिएगा. आज मंथ के मिक्स है. आज स्टैटिक अवेयरनेस, देखो आज हम फोकस कर रहे हैं स्टैटिक अवेयरनेस पर. पिछले लास्ट थ्री मंथ्स का जो स्टैटिक अवेयरनेस है उस पर आज हम ये जो GK क्वेश्चंस हैं वो आपके फोकस कर रहे हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़े. NTPC Limited, Central PSU under the Ministry of Power, has won the All India Management Association Chanakya 2020. Consider the following statements. इनमें से आपके statements कौन से हैं? पहला statement है, NTPC Limited, formerly known as National Thermal Power Corporation, is an Indian public sector undertaking. IMA is a national apex body of management profession in India. NTPC Limited is a company incorporated under the Companies Act 56. Statement 4, All India Management Association was established in 1957 और गुरदीप सिंह is the MD and Chairman of NTPC. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव. ये सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं. NTPC एक पब्लिक सेक्टर बॉडी है. AIMA एक नेशनल एपेक्स बॉडी है मैनेजमेंट प्रोफेशन की. NTPC लिमिटेड आपकी कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है और IMA आपका 57 बना और गुरदीप सिंह आपके NTPC लिमिटेड के आपके मैनेजिंग डायरेक्टर है. बिल्कुल सही आंसर है आपका. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले गाइज, जो फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस का वैक्सीन है वो आपका आज शाम को 4 बजे रिलीज हो रहा है. इसको मैं रिलीज करूंगा. मैंने और मेरी टीम ने बहुत मेहनत से इसको बनाया है और आज शाम को 4 बजे इसको हम रिलीज करने वाले हैं. तो जरूर इसको एक बार आप देख लीजिएगा. इस पर डिस्कशन हम सैटरडे से स्टार्ट करेंगे. द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार ऑन फैकल्टी डेवलपमेंट फॉर क्वालिटी एजुकेशन अंडर शिक्षक पर्व इनिशिएटिव. Who is presently the Union Minister of Education? भारत के इस समय शिक्षा मंत्री इनमें से कौन है? इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक. अभी हाल ही में इनको कनाडा ने लिटरेरी प्राइज दिया है. इसके अलावा इनको वाटियन प्राइज भी दिया गया है और ये हरिद्वार से आपके लोकसभा सांसद हैं. बाकी ऑप्शंस की बात करें तो स्मृति ईरानी जी जो हैं ये हमारी टेक्सटाइल्स की मिनिस्टर हैं और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो दोस्तों आपका जो है दैट इज अमेठी. सिमिलरली गाइस प्रकाश जावड़ेकर साहब की बात करें तो प्रकाश जावड़ेकर साहब INB मिनिस्टर हैं. ये हमारे मिनिस्टर हैं अर्थ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के. इसके अलावा ये हमारे हेवी इंडस्ट्रीज के भी आपके दोस्तों जो हैं ये मिनिस्टर हैं. इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर. रविशंकर प्रसाद हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के आपके दोस्तों जो ये मिनिस्टर हमारे सामने हैं. चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर जो कि ये रहा. हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड अ PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैज बीन ग्रांटेड BIS सर्टिफिकेशन फॉर ऑल इट्स प्रोडक्ट्स. द क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द BIS वॉज फाउंडेड. इनमें से किस साल आपका BIS को फाउंड किया गया था? इसका आंसर है आपका 1986 में आपका BIS जो है उसको फॉर्म आपका किया गया था. Paytm First Games, a subsidiary of the digital financial service platform Paytm, has signed cricketing legend Sachin Tendulkar as the brand ambassador for the platform. The question is,
हु इज द करेंट सीईओ ऑफ पेटीएम? बहुत ही सिंपल आंसर है, इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। यहाँ पर दो सवाल मेरे आपसे बनेंगे। सवाल पहला मेरे आपसे बनेगा, इनमें से ओयो रूम्स के कौन फाउंडर हैं, कौन सीईओ हैं ओयो रूम्स के, क्वेश्चन वन। एंड क्वेश्चन टू, इनमें से क्रेड करके कंपनी है जो कि अभी आजकल इसके एड चल रहे हैं, क्रेड के इनमें से कौन सीईओ हैं? तो पहले का आंसर है आपका रितेश अग्रवाल, और दूसरे का जो आंसर है दैट इज आपका कुणाल बाल। कुणाल बाल उसके आपके क्रेड के सीईओ है। सचिन बंसल फ्लिपकार्ट के को फाउंडर थे और अब उनका फ्लिपकार्ट से कोई भी रिलेशन नहीं है। गुड आफ्टरनून मोनल। गाइस एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं शेयर किया है, वीडियो के लिंक को कॉपी करिएगा, वीडियो के लिंक को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एच डी देवेगौड़ा टुक ओथ एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। एच डी देवेगौड़ा इज अ लीडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी, किस राजनीतिक पार्टी के आप एच डी देवेगौड़ा लीडर हैं? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, जनता दल सेक्युलर। इसके आपके दोस्तों वो तो जनता दल सेक्युलर इसके दोस्तों वो आपके लीडर हैं इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज अनवील्ड द लोगो एंड सॉन्ग फॉर फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट। Which of the following state is not belonging to North East? अभी हाल ही में एक नया song, एक नया logo, Destination North East का जो जितेंद्र सिंह साहब है उन्होंने आपका launch किया है। मेरा आपसे प्रश्न यहाँ पर है कि North East state जो इंडिया का है, इनमें से कौन सा आपका state North Eastern state में नहीं आता है? बहुत ही सिंपल आंसर है, इसका आंसर है आपका वेस्ट बंगाल। गाइज वेस्ट बंगाल अभी आपका न्यूज में है बिकॉज यहाँ पर महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपका जो पहला बर्ड फेस्टिवल है आपका वेस्ट बंगाल का, उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस वजह से आपका जो वो है दुनिया का जो सबसे टॉलेस्ट आपका पियर ब्रिज है वो आपका मणिपुर में बनाया जा रहा है, और एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो लॉजिस्टिक्स पार्क है वो आपका असम में दोस्तों जो बनाया जा रहा है, तो उसको भी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। India and Maldives have launched the first ever direct cargo ferry service to boost trade between the two countries. Consider the following statements about Maldives. Pehla, Maldives is a small archipelagic island in South Asia. Maldivian capital is Male. Maldivian currency is Rufia. And Ibrahim Mohammed Soli is the president of Maldives. Inme se kaun sa statement aapka sahi hai? And the answer is, sare statements aapke yahan par jo hain, wo bilkul sahi hain. The Central Pollution Control Board celebrated its 46th Foundation Day in September. Which of the following statement is or are true about CPCB? CPCB का 46वां Foundation Day आपको observe किया गया। सवाल मेरा आपसे है कि CPCB का इनमें से कौन सा statement आपके लिए सही है? Statement 1, CPCB एक statutory organization है जो Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंदर work करती है। CPCB आपका establish हुआ था 1974 में under the Water Act 1974. CPCB आपकी interest की जाती है with the powers and functions under the Act of Air Act 81. इसके headquarters आपके New Delhi में based है। तो बहुत ही simple question है कि ये आपका इनमें से कौन सा statement आपके बारे में सही है? Answer है आपके सारे statement जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। फिर से रिपीट कर दूं गाइस, वैक्सीन हमारी आ रही है बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की, आज शाम को 4 बजे इसका अनावरण होगा, इसको जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंडियन रेलवेज हैज डेवलप्ड अ रिमोट कंट्रोल्ड मीडिया ट्रॉली, मेडिकल ट्रॉली मेडबूट टू डिलीवर फूड मेडिसिन टू COVID-19 पेशेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पर है, इन विच ईयर द इंडियन रेलवेज वर फाउंडेड, इनमें से किस साल आपके भारतीय रेलवेज की स्थापना हुई थी? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज 1853 में आपका जो इंडियन रेलवेज है उसकी दोस्तों यहाँ पर आपकी स्थापना की गई थी, एंड दैट इज एब्सोल्युटली गाइस द करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना आपका किया गया था ऑन इन 1853, बिल्कुल सही। यूनियन कैबिनेट, अच्छा कैसे किया गया था आपका, ये एक आपकी ट्रेन चली थी एंड दैट पर्टिकुलर ट्रेन रैन फ्रॉम मुंबई टू ठाणे, और तब से आपका ये चला था लॉर्ड डलहौजी के दौरान, ये आपका एक इवेंट हुआ था जो उस समय गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और उनके टाइम ही आपका ये पूरा इवेंट आपका स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ बिल टू इंक्लूड कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। राइट नाउ हु इज द लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर? इसका आंसर है आपका मनोज सिन्हा,
वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। गाइस अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो अभी हाल ही में गुच्ची या गुच्चा करके आपका एक बहुत ही हाई एंड मशरूम है, इसको दिया गया है आपका जीआई टैग, इस वजह से आपका ये न्यूज में है। सेकेंड जम्मू कश्मीर आपका न्यूज में है बिकॉज पंकज मिट्टल आपके बनाए गए हैं द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट, उस वजह से आपका न्यूज में है। इससे पहले आपका कश्मीरी सैफरन, इसको भी जीआई टैग कश्मीर के लिए दिया गया था, उस वजह से भी न्यूज में है। द जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ वाटर हीरोज कंटेस्ट विद एन एम टू रीच आउट टू पीपल विद इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। द क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इनमें से कब फॉर्म हुआ था, इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज 2019 में फॉर्म हुआ था। अगर हम जल शक्ति मिनिस्ट्री की बात करें, इसके मिनिस्टर हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत, और इस मिनिस्ट्री का जो मेन टारगेट है वो ये है कि 2024 तक हर किसी के घर में पाइप वाटर पहुंचाना, स्पेशली रूरल हाउसहोल्ड में। अगर हम बात करें तो जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है बेसिकली ये मिनिस्ट्री आपकी जो है, इस मिनिस्ट्री के ये आपके जोधपुर से लोकसभा सांसद हैं, ऑलराइट। और ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन गंगा रिजुविनेशन और वाटर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर आपका जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो बनाया गया है। इंडिया का, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अर्जुन, इंडिया का जो पहला आपका हर घर जल स्टेट था, उस हर घर जल स्टेट का जो नाम है दैट इज आपका गोवा। गोवा आपका पहला हर घर जल स्टेट था। प्राइवेट लाइफ इंश्योरर बजाज आलियांस लिमिटेड हैज अपॉइंटेड बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। द क्वेश्चन इज वेयर आर इज इट्स हेडक्वार्टर। वेल द हेडक्वार्टर ऑफ बजाज आलियांस गाइस इज इन पुणे। अगर हम बजाज आलियांस की बात करें तो मैं चाहूंगा आप प्लीज नोट बनाइए, बजाज आलियांस अभी आपका न्यूज में है, और बजाज आलियांस आपका न्यूज में इसलिए है सबसे पहले कि यहाँ पर स्मार्ट असिस्ट फीचर इन्होंने लॉन्च किया है, जिसके जरिए जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको रिजॉल्व करने के लिए आपका डेस्कटॉप का सपोर्ट लिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने डॉग पेट इंश्योरेंस, जो अपने तरह का पहला इंश्योरेंस है बेड डॉग्स के लिए, उसको भी बजाज आलियांस ने ही आपका दोस्तों लॉन्च किया है। यस, बिल्कुल सही। ड्वेन ब्रावो हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेट एम्बेसडर ऑफ SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड। द क्वेश्चन इज ड्वेन ब्रावो इनमें से किस कंट्री से क्रिकेट खेलते थे, इनका नाम है आपका दोस्तों वेस्ट इंडीज से क्रिकेट खेलते थे। वेस्ट इंडीज से याद आया गाइस, वेस्ट इंडीज के एक और प्लेयर है, उनका नाम है मार्लन सैम्यूल जो है, इन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा की है, इस वजह से भी आपके ये न्यूज में थे, बिल्कुल सही। अ वुमन नेम्ड एम वीरा लक्ष्मी वॉज अपॉइंटेड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर इन तमिलनाडु, claim to be the first in the country. Which of the following statements about Tamil Nadu is true? Statement 1, Tamil Nadu is a West Indian state. Statement 2, Idappadi K. Palaniswamy is the present governor of Tamil Nadu. Statement 3, Banwarilal Purohit is the current chief minister of Tamil Nadu. And Madurai is the capital city of Tamil Nadu. इनमें से जो आंसर है वो आंसर है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तमिलनाडु आपका एक साउथ इंडियन स्टेट है, इडापड़ी के पलानीस्वामी गवर्नर नहीं है, गवर्नर इसके बनवाया पुरोहित है, पलानीस्वामी इसके चीफ मिनिस्टर हैं, और चेन्नई या मद्रास आपका इसका कैपिटल है, मदुरई इसका कैपिटल नहीं है। मेरे को एक सवाल बताओ, मदुरई में आपका कौन सा एक फेमस टेम्पल है, एक कौन सा फेमस टेम्पल है जो कि मदुरई में है, एक तो सवाल ये, और एक बहुत ही फेमस ट्रेडिशन है मदुरई का जिसमें बुल्स को यूज किया जाता है, उस फेमस ट्रेडिशन को भी मदुरई में ही आपका किया जाता है, उसका नाम दोस्तों क्या है? तो देखिए, पहले का जो आंसर है बिल्कुल सही, पहले का आंसर है आपका मीनाक्षी टेम्पल, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और दूसरे का जो यहाँ पर आंसर है दैट इज ट्रेडिशन, तो इसमें जो आंसर है दैट इज जलीकट्टू अभी यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हुबली रेलवे स्टेशन इन कर्नाटका विल नाउ बी नोन एज श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, पता है हमें। यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ हुबलियंस ऑफ रीनेमिंग द स्टेशन। द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हुबली इज अ सिटी इन सदर्न इंडिया ऑफ कर्नाटका, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट बाय पॉपुलेशन एंड द लार्जेस्ट सिटी इन नॉर्थ कर्नाटका अलॉन्ग विद धारवाड़। द चंद्रमुलेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन हुबली सिटी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है?
आंसर है आपका, सारे स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, हुबली भी सही है, सेकंड लार्ज सिटी है आपका पॉपुलेशन का, लार्ज सिटी है नॉर्थ कर्नाटका का, और चंद्रमुरेश्वर टेम्पल भी आपका हुबली सिटी में ही आपका बेस्ड है। सुमित चौहान जी, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा एग्जाम सेंट्रिक के टेलीग्राम चैनल पे, वहां जाके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। इंडियाज होम ग्रोन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट असाइंड एन एमओयू विद ओडीओपी स्कीम of the government of Uttar Pradesh. The question here is, what is the full form of ODOP? ODOP ka, dosto, inme se full form kya hai? One district, one partnership, one district, one population, one district, one product, and one district, one passion. Kya aapka full form hai ODOP ka? ODOP ka, dosto, jo full form hai, that is option C. It is one district, one product. Ye aapka full form hai, aapka ODOP ka, aur ODOP ke tahat, फ्लिपकार्ट ने यूपी के साथ अग्रीमेंट किया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो प्रमोट आपका करने वाले हैं। बिल्कुल सही आंसर है। द बुक टाइटल्ड अमेजिंग अयोध्या हैज बीन रिटन बाय नीना राय। अयोध्या किस भगवान की जन्मभूमि है? बहुत ही आसान सवाल है, आंसर है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, जय श्री राम। अ ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय HSBC इंडिया। हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन ने एक ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम आपका लॉन्च किया है। प्रश्न आपसे यह है कि HSBC के हेडक्वार्टर्स इनमें से कहां पर हैं? तो इसके हेडक्वार्टर्स जो आपके हैं वो आपके लंदन यूके में आपके दोस्तों बेस्ड हैं। हाँ, RRBPO में जो बाड़ा आ जाएगा आपको, बिल्कुल सही। जी जी, आंसर है आपका लंदन यूके में। अब यहाँ पर मेरा आपसे पहला सवाल है, नाटो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन मेरा आपसे है, वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। थर्ड मेरा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है, वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ ILO। तो पहले का आंसर है आपका ब्रसेल्स बेल्जियम, दूसरे का आंसर है आपका लंदन, और तीसरे का आंसर है आपका जिनीवा स्विट्जरलैंड। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी आपका न्यूज में था, बिकॉज एमनेस्टी इंटरनेशनल को इंडिया से उसने अपने ऑपरेशन जो है उनको हटा लिया है। नाटो न्यूज में था बिकॉज टर्की और यूएसए दोनों ही आपके नाटो के पार्ट है, पर यूएसए ने टर्की पर कई तरह के सैंक्शन लगाए हैं, उस वजह से टर्की और यूएसए आपका न्यूज में था। बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ILO से याद आया आपका कि मेरे को ये बताओ कि भारत में एक लेबर मूवमेंट म्यूजियम, ये एक लेबर मूवमेंट म्यूजियम आपके किस स्टेट में आपका बन रहा है? इन विच स्टेट इंडियाज वेरी फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम आपका बन रहा है? फटाफट बताइएगा। बिल्कुल करेगा आरबी क्लर्क और आईपीएस क्लर्क में, बिल्कुल। इसका आंसर है आपका केरला में। केरला में एक बहुत ही फेमस टूरिज्म टाउन है जिसका नाम है आपका अलापूजा। अलापूजा में आपका ये म्यूजियम जो है वो सेटअप किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी हैव कमेंस्ड द 11th एडिशन ऑफ अ बाइएनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज कॉल्ड इंदिरा नेवी। इंदिरा इज अ जॉइंट बाइएनुअल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड रशिया स्टार्टिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। द आंसर इज, इट इज ऑप्शन बी, दैट इज 2003 में आपका जो इंदिरा है उसे कराया जाएगा। इंदिरा से याद आया गाइस, अभी इंडिया और फ्रांस अभी एक एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरे को कौन बताएगा उस एयरफोर्स एक्सरसाइज का या उस एयर एक्सरसाइज का आपका नाम क्या है, जल्दी से बताइएगा व्हाट इज द नेम, क्योंकि इससे पहले वो गरुड़ा और शक्ति कर चुके हैं, पर इस एक्सरसाइज का दोस्तों नाम क्या है? शक्ति आपकी लैंड बेस्ड है और गरुड़ा आपकी एयर बेस्ड है, बट व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फ्रेंच एक्सरसाइज जो कि अभी हो रही है? बिल्कुल सही, आपका डेजर्ट नाम है इसका, डेजर्ट एक्सरसाइज इसका नाम है, बिल्कुल सही। प्रिया गौतम जी, क्लास आपकी रेगुलर बेसिस पर 12 बजे मंडे टू संडे होती है 12 noon। बिल्कुल सही, डेजर्ट नाइट नाम है आपका, बिल्कुल सही आंसर प्रिया, वेल डन प्रिया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। द NCAR हैज प्रोजेक्टेड द GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया एट -12.6%। द क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स NCAR वॉज फॉर्म्ड? नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAR इनमें से किस साल आपका स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1948 में आपका NCAR जो है वो आपका एस्टैब्लिश किया गया, दैट इज एब्सोल्युटली। आगे बढ़े। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज डन एन MOU विद SIDBI टू डेवलप इट्स MSME इकोसिस्टम।
क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक एमओयू साइन किया है सिडबी के साथ फॉर डेवलप करने के लिए एमएसएमईज को. क्वेश्चन है इनमें से राजस्थान के बारे में. राजस्थान इज अ स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया. इट इज द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया एंड द सेवन लार्जेस्ट पॉपुलेशन. कलराज मिश्र इज द गवर्नर राजस्थान. बाय अशोक गहलोत इज द करंट चीफ मिनिस्टर. एंड जयपुर इज द कैपिटल राजस्थान. तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी. ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. गाइज राजस्थान अभी आपका न्यूज में है बिकॉज जो आपका डेजर्ट नाइट है ना, जो आपका डिफेंस साइज है आपका आपका डेजर्ट डेजर्ट नाइट करके इंडिया और फ्रांस का, ये एक्साइज आपका जोधपुर में ही, जोधपुर का जो एयरबेस है वहां पर एक्साइज आपकी जो है वो कराई जा रही है, उस वजह से आपका ये न्यूज में भी है. आगे बढ़ते हैं. राष्ट्रीय एकता दिवस इज ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर ऑन 31st of October. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सवाल पहला है, नेशनलिटी डे ऑब्जर्व होता है 31st October 2014 से. ये डे कमेमोरेट करता है बर्थ एनिवर्सरी आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का. 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका जो गुजरात में है इसको ऑनर किया. और वल्लभ भाई पटेल वॉज बोर्न ऑन 31st October 1875 इन नडियाड गुजरात. दी आंसर इज अगेन आपके सारे स्टेटमेंट जो है इस डे के बारे में वो आपके सही है. यहाँ पर मेरा आपसे सवाल बनेगा और सवाल ये बनेगा कि अभी हाल ही में किसकी 125th एनिवर्सरी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस. बिल्कुल सही. इनका बर्थ एनिवर्सरी आपका कब पड़ता है. आंसर है आपका 23rd of January. इस दिन आपका इनका एनिवर्सरी जो है वो आपका ऑब्जर्व होता है. और बिल्कुल सही कह रहे हैं. और इसका और रेलवे से कनेक्ट करने के लिए जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसको 8 बिगर सिटीज से आपका जोड़ा जा रहा है, इस वजह से भी ये न्यूज में है. अकॉर्डिंग टू अ डेटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू राज्यसभा, तमिलनाडु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इन अवेलिंग लोन्स टू वुमेन. द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट वन, पीएम मुद्रा योजना और मुद्रा लोन इज अ फंडिंग स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मुद्रा लोन अंडर PMMY प्रोवाइड फंड्स ऑफ सपोर्ट अप टू ₹10 lakh टू इंडिविजुअल्स, SMEs, MSMEs एंड नॉन कॉर्पोरेट पीपल. देयर इज नो कोलैटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड एंड मुद्रा लोन्स आर ऑफर्ड अंडर PMMY विद द हेल्प ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, NBFCs, MFIs, RRBs. मैं रिपीट फिर से कर दूं गाइस, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है रिगार्डिंग PMMY. तो इसका आंसर है आपके सामने ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव. ये सारे आपके जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल आपके दोस्तों जो हैं दे आर एब्सोल्युटली गाइस द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये सारे के सारे आपके बिल्कुल जो हैं वो सही आंसर है. आगे बढ़ते हैं. APEC इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 21 मेंबर इकोनॉमीज इन द पैसिफिक रिम दैट प्रमोट्स फ्री ट्रेड थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन. द क्वेश्चन इज इनमें से मेंबर कंट्रीज आपकी अलग अलग में कितनी है. फॉर एग्जाम्पल WTO में कितनी है, IMF में कितनी है, OECD में कितनी है, वर्ल्ड बैंक में, UN में और ADB में. इसका आंसर है डी. आपका वर्ल्ड बैंक में जो कंट्रीज हैं वो आपकी हैं 189, अब आपकी 190 हो गई है, तो क्लियर कर लीजिएगा. अगर हम बात करें ADB में तो ADB में आपकी हो गई है 68 कंट्रीज. बिल्कुल सही. सिमिलरली OECD में आपकी जो कंट्रीज हैं वो आपकी हैं 36. फिर IMF में जो कंट्रीज आपकी हैं वो हैं आपकी 190. और WTO में जो कंट्रीज आपकी हैं, सॉरी, और UN में जो कंट्रीज आपकी हैं वो है 193. और WTO में कंट्रीज जो आपकी हैं वो हैं आपकी 164. आगे बढ़ते हैं. Thomas and Uber Cup, which was scheduled to happen from 3rd to 11th October, this particular cup has been postponed 2021. थॉमस उबेर कप इनमें से किस पर्टिकुलर कंट्री से है. इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज बैडमिंटन से. ये आपका जो थॉमस उबेर कप है ये बिलोंग करता है. गाइस अभी हाल ही में आपका, अगर मैं सही हूँ तो हाल ही में आपका थाईलैंड ओपन आपका अभी प्ले किया गया. थाईलैंड ओपन अगेन आपका एक ग्रैंड सीरीज है आपके 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 बैडमिंटन में. तो यहाँ पर मेरा पहला सवाल आपसे है कि इनमें विमेन्स कैटेगरी में ये अवार्ड आपका किसको मिला. सेकेंड सवाल मेरा आपसे है कि मेंस कैटेगरी में ये अवार्ड आपको किसको मिला. वुमेन्स कैटेगरी की बात करें तो ये अवार्ड आपको दिया गया है टू कैलेना मारिन. कैलेना मारिन जो है ये आपका बिलोंग करती हैं टू स्पेन. स्पेन से इनकी ताल्लुकात है, स्पेन से ये
आपका दोस्तों बिलोंग करती है। सिमिलरली मेंस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया टू विक्टर एक्सेलसन, जो आपके डेनमार्क से बेसिकली बिलोंग करते हैं, उनको ये सम्मान यहाँ पर मेंस कैटेगरी में आपका प्रोवाइड किया गया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज लॉन्च प्रोग्राम फॉर स्ट्रेंथनिंग क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च कैपेसिटी इन नेबरिंग कंट्रीज। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज एन इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। इनमें से किस पर्टिकुलर मंत्रालय में आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपका पड़ता है? तो डिपार्टमेंट का नाम है आपका ऑप्शन ए, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में आपका डिपार्टमेंट जो है वो पड़ता है, और इसने एक क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च कैपेसिटी प्रोग्राम लॉन्च किया है नेबरिंग कंट्रीज में। HDFC बैंक ने लॉन्च किया है आपका शौर्य केजीसी कार्ड। क्वेश्चन हियर इज कि ये जो शौर्य केजीसी कार्ड है, ये जो HDFC बैंक है, ये आपका कब स्टैब्लिश हुआ? इनका नाम है आपका स्टैब्लिश हुआ आपका 1994 में, इस साल ये आपका स्टैब्लिश हुआ, और 1994 में इसके अलावा कई और बैंक भी स्टैब्लिश हुए। फॉर एग्जाम्पल आपका ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, ये सारे जो बैंक्स हैं आपके इसी साल आपके जो है वो एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो सारे के सारे आपके सही जवाब हैं। इजराइल हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इजराइल? द आंसर इज इट इज आपका एरूसलम। एरूसलम आपका कैपिटल सिटी है इजराइल का। गाइस इजराइल में आपका अभी जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपकी पावर में नहीं है, और इसके लिए जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने रिजाइन किया था। बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये बिलोंग करते हैं टू अ पार्टी जिसका नाम है आपका लिक्विड पार्टी, और उस पार्टी ने रिजाइन किया था और उस वजह से न्यूज में है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ 3-member कमिटी हेडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल जीबी शेखतार to review the utilization of armed forces headquarters civil services cadre. Rajnath Singh jo defense minister hai, he belongs to which constituency? Iska answer hai aapka option B, that is Lucknow. Former RBI deputy governor Subhash Shivtaran Mundra has been appointed as a non-executive chairperson of India Bulls Housing Finance. Consider the following statements. Statement pehla hai aapka IHF aapka ek mortgage lender hai गुड़गांव हरियाणा में। IHF आपका इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि रेगुलेट होती है HB द्वारा, और 2005 में आपका ये फाउंड हुआ, और समीर गहलोत जो है वो इसके चेयरपर्सन है। वेल द आंसर इज सारे स्टेटमेंट्स आपके फिर से सही है। द कमिटी ऑफ जर्नलिस्ट, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। द कमिटी ऑफ जर्नलिस्ट has announced, the Committee to Protect Journalists has announced the recipients of the International Press Freedom Prize, including Shahidul Alam from Bangladesh, Mohammad Mossad from Iran, Dapo Olurunumyemi from Nigeria, and Svetlana Prokopyeva from Russia. Consider the following statement. Statement pehla hai, CPJ honor journalists on the publications around the world show courage in defending press freedom despite facing attacks, threat or imprisonment. Statement 2, established in 1995, the award was administered by CPJ. Statement 3, Committee to Protect Journalists is an independent non-governmental body based in New York. And 4th, every member 4 to 10 7 individuals or publications are honored in the New York City. So, sab sawal bahut hi simple sa hai, inme se kaun sa aapka statement jo hai wo aapka sahi hai, iska jawab aapko mere ko yahan par dosto jo hai wo dena hai. तो इसका आंसर जो आपके सामने है, दैट इज ओनली स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4, बाकी स्टेटमेंट आपके गलत हैं, मतलब सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अरुण जेटली स्टेडियम जो है उसे कहा जाता है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, उसका पहले नाम था।
अब आपसे सवाल मेरा है कि इनमें से कौन सा कॉलम आपका जो है वो सही है, जैसे कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम आपका इनमें से कहाँ है, तो ये ऐसे ऐसे है। तो अगर हम बात करें तो आपका जो होलकर स्टेडियम है वो आपका इंदौर में है, ईडन गार्डन जो है कोलकाता में, राजीव गांधी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम आपका है हैदराबाद में, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है आपका बेंगलोर में, वानखेड़े स्टेडियम है आपका मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है आपका मुंबई में, और आपका एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है ये आपका चेन्नई में बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं, के एन अनंता पद्मनाभन हैज बीन इंक्लूडेड इन आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स, के एन अनंता पद्मनाभन इज बिलोंग्स टू विच कंट्री, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर नन ऑफ द अबव? द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी, इट इज इंडिया। इंडिया को आपका के एन बिलोंग करती हैं और ये इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स में इनको इंक्लूड किया गया है। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया हैज लॉन्च्ड अ डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म नेम्ड सरोद पोर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सरोद पोर्ट्स इज टू फैसिलिटेट अफोर्डेबल एंड टाइम रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स फॉर द मैरिटाइम सेक्टर। सरोद पोर्ट्स का उपयोग समुद्री क्षेत्र के लिए विवादों को सस्ते और बेहतर समयबद्ध तरीके से सुलझा करने के लिए बनाया गया है। सरोद पोर्ट्स का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट्स, ये इसका फुल फॉर्म है। The UAE has become the first Arab country to open a nuclear power plant in Abu Dhabi. Who is the current president of the UAE? The answer is the current head है वहाँ की, जो emirate है उनका नाम है Khalif bin Zayed Al Nahyan. The RBI has signed an agreement of extending 400 million currency swap agreement to Sri Lanka. Which of the following bank is the monetary authority of Sri Lanka? The answer is it is option C. It is the Central Bank of India, जो कि आपकी इसकी मॉनिटरी अथॉरिटी के तौर पर आपका काम जो है वो आपका कर रही है। ये इसका बिल्कुल यहाँ पर सही सही आपका जवाब है। गाइज मैं चाहूंगा जरा फटाफट वीडियो को आप लोग शेयर कर दें ताकि वीडियो ये मैक्सिमम लोगों तक आपका पहुंच जाए। आई वॉन्ट एवरी वन टू शेयर द वीडियो विद मैक्सिमम पीपल पॉसिबल ताकि ये वीडियो उन सब तक पहुंच जाए। फटाफट गाइज Keep on sharing the video. I want everyone to share the video with their friends and family. आज डेट 12 है हमारा और हम चाहते हैं मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो आपका जो है वो पहुंच जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स दिवसानंद गौड़ा हैज लॉन्च्ड 4 स्कीम्स फॉर द प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस पार्क्स अक्रॉस द कंट्री। दिवसानंद गौड़ा रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनमें से किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं? इनका 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कृष्णराजपुरम, बेंगलोर नॉर्थ, कागवाड़, बलारी या फिर आपका नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आपके सामने आंसर है, द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, इसका आंसर जो आपके सामने है दैट इज बेंगलोर नॉर्थ से ये आपका बिलोंग करते हैं। सुभाष कामत हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। ASCI का जो आपका काउंसिल है उसके ये चेयरमैन बने हैं। ASCI के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? स्टेटमेंट पहला है द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स और काउंसिल ऑफ इंडिया 1985। इट इज अ सेल्फ रेगुलेटरी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर ASCI के आपके मुंबई में। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे स्टेटमेंट जो आपके हैं ये बिल्कुल आपके यहाँ पर सही हैं। आगे बढ़ते हैं। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2020 वाज अनाउंस्ड इन सितंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पहला है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एक अवार्ड है जो कि CSIR आपका देता है, पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट टू, ये प्राइज दिया जाता है एनुअली रिसर्च के लिए अप्लाइड फंडामेंटल बायोलॉजी केमिस्ट्री एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स साइंस और फिजिक्स के लिए और पहली बार इसको 58 में दिया गया। कौन स्टेटमेंट सही है? आंसर है आपका, सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एग्जामिनेशन में आपके आ सकता है। मोरुंगाव पोर्ट विच वॉज कमीशन इन 1885 इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट्स
ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन गोवा। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा आपका मैच फॉलोइंग करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, ये कहां पर है, ये स्टेटमेंट्स आपके सारे हैं। तो इनमें से विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट जो है ये आपका आंध्रा में है, बिल्कुल सही। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट जो है ये आपका तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही। न्यू मंगलुरु पोर्ट की बात करें तो ये आपका मंगलुरु कर्नाटका में है, बिल्कुल सही। भावा शिवा पोर्ट की बात करें तो भावा शिवा पोर्ट आपका महाराष्ट्र में है। वीओ चिदंबरनार पोर्ट की बात करें तो ये पोर्ट भी आपका दोस्तों जो है 5, ये आपका तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम पोर्ट की बात करें तो ये पोर्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये पोर्ट आपका आपका आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। द 35th सेशन ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक वॉज हेल्ड इन सेप्टेम्बर 2020 इन विच ईयर FAO वॉज फाउंडेड। इनमें से किस साल आपका FAO फाउंड किया गया था, 55, 56, 45, 44 या फिर आपका none of these। The answer is, it is option C, 1945 में आपका FAO बनाया गया था। FAO अभी न्यूज में है बिकॉज इसकी जो 70th एनिवर्सरी है उसको हमने अभी हाल ही में ऑब्जर्व किया था। इनफैक्ट 16th अक्टूबर को जिस दिन आपका वर्ल्ड फूड डे होता है उसी दिन आपका ये एनिवर्सरी भी जो है इसको ऑब्जर्व आपका किया गया। आगे बढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट ने एक MOU साइन किया है आपका विद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के साथ। अब मेरा आपसे यहाँ पर सवाल है कि ये जो आपका ODOP, ये जो आपका फ्लिपकार्ट है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसके हेडक्वार्टर्स दोस्तों जो है आपके, दीज हेडक्वार्टर्स गाइस आर इन द डिस्ट्रिक्ट और इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में इनके दोस्तों जो है वो आपके हेडक्वार्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं। ग्लोबल भारत प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द टेक्नोलॉजी फर्म SAP इंडिया। SAP का लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, इनमें से किस कंट्री में? इसका आंसर है आपका जर्मनी में। आपका SAP जो है वो आपका एक कंपनी जो कि है वो आपका बेस्ड है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह हैज बिकम द फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया टू फ्लाई द रफाल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दैट वॉज इंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स। शिवांगी सिंह किससे बिलोंग करती है? आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। इनके अलावा गाइस आज की बात करें तो आज भावना कांठा ये बनी है पहली वुमन फाइटर पायलट जो कि पार्टिसिपेट करेंगी इस बार की रिपब्लिक डे परेड में। शी इज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट फाइटर पायलट जो कि आपकी बनी है अपार्ट फ्रॉम मोहाना सिंह एंड अभि चतुर्वेदी, तो उस लिहाज से भी वो इम्पोर्टेंट है। रेटिंग एजेंसी आपकी इकरा है जिसने रिवाइज किया है भारतीय कंट्रैक्शन 11% से 9.5% पर। सवाल है इकरा का फुल फॉर्म क्या है? इकरा का दोस्तों जो फुल फॉर्म है दैट इज आपका आपका इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो कि आपका है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। ITBP ने अपना 59th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया 24th अक्टूबर को। ITBP के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ITBP इंडिया का प्राइमरी बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉर्डर डिपार्टमेंट में है। ITBP 7 सेंट्रल आर्म फोर्सेस में आती है और इसकी स्थापना 24th अक्टूबर 1962 को हुई। ITBP के हेडक्वार्टर्स आपके जो हैं वो न्यू दिल्ली में बेस्ड हैं और सुरजीत एस सिंह देसवाल इसके करंट आपके डायरेक्टर जनरल हैं। इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे स्टेटमेंट जो हैं वो आपके बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आपके सही हैं। ऑस्कर अवार्ड भारत को मिला, पहला इंडियन जो इनको मिला ऑस्कर का नाम है भानु अथैया। सवाल मेरा आपसे है कि भानु अथैया का इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट वन, भानु अथैया बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं और उनको ये मिला है फॉर हिज वर्क इन द फिल्म गांधी। भानु अथैया जो है वो उन्होंने डिजाइन किए हैं करीब 100 के ऊपर मूवीज के कॉस्ट्यूम्स और इनको मिले हैं 2 नेशनल अवार्ड लेकिन के लिए और लगान के लिए। आंसर है आपका फिर से सारे स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। काटी बिहू इज वन ऑफ द सेट्स ऑफ 3 बिहू फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। द क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में आपका बिल्कुल सही है? तो इनमें से जो आपका सही आंसर है दैट इज आपका नन ऑफ द अबव। आपका असम जो है वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तो इनमें से आपका नन ऑफ द अबव ट्रू है। आपका सर्बानंद सोनोवाल जो है वो चीफ मिनिस्टर असम के हैं, जगन्मुखी गवर्नर है, बिल्कुल सही है। और हाँ, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं आपके। आंसर होगा डी। ठीक है, हाँ डी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैक्स वर्स्टैपन हैज वन द 70th ग्रैंड प्री।
क्वेश्चन इज कि मैक्स वर्स्टापन इनमें से किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? उस कंट्री का नाम है आपका दोस्तों बेल्जियम। बेल्जियम से दोस्तों ये जो है वो आपके बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने एमओयू एंटर किया है डेनमार्क के साथ इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन। डीपीआईआईटी ने अभी हाल ही में एमओयू साइन किया है डानिश पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ। सवाल आपसे मेरा है कि डीपीआईआईटी का इनमें से फुल फॉर्म क्या है? इनमें से फुल फॉर्म है डीपीआईआईटी का आपका नन ऑफ द अबव। नहीं नहीं गलत आंसर है, आंसर गलत है, आंसर सही लिखा है यहाँ पर। आंसर है आपका ए, ए आंसर यहाँ पर होगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। निकारका कुआ बना है आपका 87 कंट्री जिसने की साइन किया है आपका अग्रीमेंट अलायंस का। सवाल मेरा आपसे है कि आईएसए एक अलायंस है, इनमें से आईएसए इनमें से कितने कंट्रीज का अलायंस है? आंसर है आपका 121। बिल्कुल सही। बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड, और ये डेबिट कार्ड आपका जो है ये लॉन्च किया गया है फॉर हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन जो है आपसे मेरा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो आपका एक क्या कहते हैं क्रेडिट कार्ड है, ये जो आपका एक बैंक ऑफ इंडिया है, ये इनमें से किस दिन आपका दोस्तों जो है ये आपका फॉर्म हुआ था? ये बहुत ही सिंपल सवाल है, किस दिन आपका ये दोस्तों जो है वो आपका फॉर्म हुआ था? वेल ये जो आपका बैंक है ये 1906 में आपका दोस्तों जो है ये फॉर्म हुआ था। दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। 1906 में आपका ये जो बैंक है ये आपका दोस्तों फॉर्म हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है आपका, दैट इज एब्सोल्युटली गाइस द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया आयुष्मान सहकार योजना। अब सवाल मेरा आपसे है कि योजना जो है आपकी आयुष्मान सहकार, इसको इनमें से किस एजेंसी ने आपका दोस्तों फॉर्मुलेट किया है? तो उस एजेंसी का नाम है आपका NCDC, इसका फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये इसका दोस्तों आपके सामने जो है वो फुल फॉर्म है। फोर्ब्स मैगजीन ने हाल ही में रिलीज किया है आपका हाईएस्ट पेड एक्टर्स का लिस्ट, ठीक है। सवाल मेरा आपसे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनके बारे में आपका दोस्तों सही है? बहुत ही सिंपल सवाल है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ओनली इंडियन स्टार है टू बी लिस्टेड अमंग द टॉप 10 वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एक्टर्स। टोटल अर्निंग अक्षय कुमार की है $48.5 मिलियन। अक्षय कुमार 6th रैंक पे इसमें प्लेस्ड है, और इस लिस्ट को टॉप किया है आपका रेसलर टर्नड मूवी स्टार ड्वेन जॉनसन ने, ठीक है। और ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट के बारे में आपका बिल्कुल सही है? ये सवाल मेरा आपसे, इसका आंसर है आपका सारे स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़े। IIPA ने ऑर्गेनाइज किया है एक नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव। सवाल मेरा आपसे है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट IIPA के बारे में सही है? IIPA 54 में स्टैब्लिश हुआ। IIPA रिसर्च और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ये आपका पॉल एच एप्पलबाय ने फॉर्म किया। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका दोस्तों जो है वो बिल्कुल सही है, ये मेरा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आपके सामने है, इसका आंसर आपके सामने है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये इसका बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए सही सही जवाब है, दैट इज एब्सोल्युटली गाइस द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने अप्रूव किया है आपका प्रपोजल टू अपॉइंट सीमांचला दास एज एडवाइजर टू द ईडी ऑफ IMF। IMF के बारे में स्टेटमेंट है, IMF आपका July 44 में फॉर्म हुआ। क्रिस्टालिना ग्योर्गीवा इसकी प्रेजेंट MD है। गीता गोपीनाथ इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है, और इसके हेडक्वार्टर आपके वॉशिंगटन में। तो सारे सही लग रहे हैं, आंसर है सारा सही। जयराम दौलत राम पहले गवर्नर थे आपके बिहार के। चलो इस बार स्किप कर दो, इस बार बेकार है, इसको स्किप कर सकते हो। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आपका बगदाद इराक में आपका दोस्तों फॉर्म हुआ।
ठीक है, और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनके बारे में आपका दोस्तों जो है वो सही है, सॉरी फॉर्म हुआ, इनमें से कौन सा आपका आपका मैच द फॉलोइंग सही है। आंसर है आपका ए, आईएईए के हेडक्वार्टर्स हैं आपके वियना में, ओपेक के हेडक्वार्टर्स आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, इसने आज एक बुलेट लॉन्च की है, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, वो बुलेट इसने लॉन्च की है सीआरपीएफ के साथ मिलकर, और उस वजह से भी आपका ये न्यूज में है। वर्ल्ड फूड डे आपका हर साल 16 अक्टूबर को दोस्तों हम ऑब्जर्व करते हैं, कब ऑब्जर्व करते हैं हम 16 अक्टूबर को दोस्तों हम ऑब्जर्व करते हैं। अब सवाल मेरा आपसे है कि इनमें से वर्ल्ड फूड डे कौन ऑर्गेनाइज कौन ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑब्जर्व करता है, इनका नाम है एफएओ। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट जस्टिस के ऊषा का देहांत हुआ है। जस्टिस के ऊषा बिकेम द डैश वुमन टू जॉइन द हाई कोर्ट जुडिशरी फ्रॉम बार एंड बिकम द चीफ जस्टिस, शी वाज द फर्स्ट वुमन, मतलब केरला की ये पहली महिला थी जो डायरेक्टली आपका लॉयर से सीधे वो चीफ जस्टिस आपकी बनी। इंडिया हैज बीन रैंक 105th पोजीशन इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, द क्वेश्चन इज दिस इज द डैश एडिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, the answer of this particular question is it is option D, that is 24th rank par aapka jo hai ye aata hai. Aage badhte hain, India and Maldives have signed an agreement for establishment of emergency medical services in Male, the question is ki ye aapki services jo hain Maldives mein aap uske bare mein kaun sa statement aapke liye sahi hai, to iska jo answer aapke samne hai, the answer of this particular statement guys jo aapke samne sahi hai, the answer is it is option A D, All of the above statement जो है ये आपका इसके बारे में बिल्कुल आपका सही सही आपका जवाब है, that is absolutely guys the correct answer for this particular question. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question पर जो कि ये रहा आपके सामने। The World Bank expects Indian economy to contract to 9.6% financial 21. Consider the following statements. World Bank national body है जो loan provide करती है, grant provide करती है। David R. Malpass elected किए गए हैं 13th president. World Bank आपकी found हुई है जुलाई 1944 में। World Bank आपकी family है 5 national organizations की। सवाल है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, उसका आंसर जो आपके सामने है दैट इज ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। सारे स्टेटमेंट आपके इनके बारे में दोस्तों जो है वो बिल्कुल आपके सामने सही सही आपके सामने दोस्तों जो है वो जवाब दिया गया है, दैट इज एब्सोल्युटली गाइस द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यूनियन कैबिनेट ने आपकी चेयर की है प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग जिसको अप्रूवल दिया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने। सवाल मेरा आपसे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, बिहार आपका एक स्टेट है ईस्ट इंडिया का, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स हैं आपकी बोधि ट्री महावर टेम्पल में बिहार लोकेटेड है। नीतीश कुमार जो है वो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं जो बिहार के, और फागू चौहान इसके गवर्नर हैं। इसका आंसर आपको मेरे को यहाँ पर प्रोवाइड करना है, इसका आंसर फटाफट मेरे को दीजिएगा, इसका आंसर इनमें से क्या आपका दोस्तों जो है वो होने वाला है, इसका आंसर जरा फटाफट मेरे को कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो इसका जो आंसर आपके सामने है, इसका जो जवाब आपके सामने है जिसको कि आपको यहाँ पर देखना भी है, वो आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट। सारे स्टेटमेंट आपके जो है ये बिल्कुल आपके सामने सही है, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडियन आर्मी जो है उसने एक लैंड बेस्ड ब्रांच है और लार्जेस्ट ब्रांच कंपोनेंट है इंडियन फोर्सेस का, इनमें से आपका इंडियन आर्मी आपका ये फोर्सेस है आपकी कब स्टैब्लिश हुई, इनके ईयर दिए हुए हैं, इसका आंसर है आपका इंडियन नेवी स्टैब्लिश हुई आपकी 1932 में, फिर आपका CISF आपका स्टैब्लिश हुआ 1969 में, इंडियन एयरफोर्स आपका स्टैब्लिश हुआ इंडियन नेवी आपकी जो है वो स्टार्ट हुई है इन 1950, जो CISF है वो आपका स्टार्ट हुआ है इन 1969, आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो स्टैब्लिश हुआ है इन 1978, फिर आपका जो इंडियन एयरफोर्स है वो स्टैब्लिश हुआ 1932, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्टैब्लिश हुआ है आपका 1965, और इंडियन आर्मी अब स्टैब्लिश हुआ है इन 1895, तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। UNCTAD ने प्रेडिक्ट किया है कि जो GDP इंडिया का है वो 5.9% से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन है, यहाँ पर सवाल है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है आपका, ये जो UNCTAD है आपका, ये आपका इनमें से कब, ये इनमें से आपका कब, ये इनमें से आपका किस साल स्टैब्लिश हुआ, इसका आंसर है आपका 1964 में,
आपका ये एस्टैब्लिश किया गया। ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सही सही जवाब है, दैट इज एब्सोल्युटली गाइस द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। मेघालय गवर्नमेंट ने एंटर किया है इनटू अ पार्टनरशिप विद इजराइल टू एस्टैब्लिश अ वन ऑफ